आपसे? मुझसे पूछ रहा जी, मेरा नाम सुल्तान है और इस फिल्म में अजय मैं विलन का रोल कर रहा हूँ और हमारे इब्राहिम भाई इस फिल्म को बना रहे हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और बड़ी अच्छी मूवी है और रोमांटिक फोन बहुत अच्छा है तो रिस्पॉन्स अच्छे मिलने चाहिए। बाकी ये सारी बातें जो हैं आपको इब्राहिम भाई बताएंगे, ये सारे प्लान करेंगे। इब्राहिम जी आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, किस तरह का विषय होगा और ये फिल्म का मतलब कास्ट और व्यू तक प्लान हो गया है कि अभी कास्ट हो रहा है? जैसे कि अभी सुल्तान भाई है इस फिल्म के मेन विलन है, विलन का किरदार निभा रहे हैं और आप हमारे जतिन भाई है ये हमारे फिल्म के लीड हीरो हैं और बाकी कास्टिंग चल ही रही है। तो इवेंट पहली बार आप फिल्म को निर्माण कर रहे हैं कि पहले क्या? जी जी, ये पहली फीचर फिल्म में पहली हुई, इससे पहले छोटे मोटे प्रोजेक्ट किए हमने। तो थोड़ा विषय क्या है बताइए, मतलब देखिए तो लगा कि रोमांटिक फिल्म होगी और हाँ, क्या है? ये लव स्टोरी है, रोमांटिक लव स्टोरी है और फ्रेंडशिप के बेस में है। तो कब शुरू करने वाले हैं? ये नेक्स्ट मंथ शूट शुरू हो जाएगा इसका। लोकेशन लोकेशन ऑलमोस्ट मुंबई की है। जितिन जी आप बताइए, पहला प्रोजेक्ट आपका या जो पहले आपने बैकग्राउंड अपना बताइए कहाँ से शुरुआत की और ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ द पर्सन हु आर हियर, हु आर अवेलेबल हियर एंड आई एम रियली सपोज टू वेरी थैंकफुल मिस्टर इब्राहिम भाई, अब्दुल भाई एंड सुल्तान भाई, ही इज ऑलमोस्ट हियर एंड एज वेल दी क्वेश्चन कंसर्न अबाउट दिस मूवी, एज यू नो द टाइटल इज द तुमसे वफ़ा सनम, आप खुद ही देख सकते हैं कि वफ़ा है सनम, ये वफ़ा ऑलरेडी वफ़ा होनी चाहिए और ये रियली रोमांटिक मूवी बनने वाली है। सबका बेस्ट एफर्ट्स है, पूरी यूनिट का, जैसे कि कहते हैं कि देर इज़ अ ओल्ड सेइंग कि एवरी सक्सेसफुल मैन बिहाइंड अ वूमन, ऐसी एवरी सक्सेसफुल मूवी बिहाइंड ओनली वन डायरेक्टर है, डायरेक्टर और पूरी यूनिट का तो साथ होता ही है, पूरी स्टाफ, पूरी यूनिट और हमारी यूनिट अब्दुल भाई हैं, ये सर हैं हमारे और जितने भी हमारे लोग हैं, सुल्तान भाई हैं, तो सब कॉपरेटिव हैं, बहुत अच्छा नेचर है सबका अपना, दे आर ट्राई टू गिविंग बेस्ट एफर्ट। तो हमारा प्रे यही है कि मूवी अच्छी हो, अच्छी बने, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। और एज वेल दी क्वेश्चन कंसर्न अबाउट मी, देन आई एम ऑल्सो एक्टर, आई एम कंसर्निंग अबाउट कंसर्निंग विद कादर खान जी, ट्रिपल के कल के कलाकार एंड सो मैनी शोज आई हैव डन, एल्बम्स आई हैव डन एंड प्लेज थिएटर्स आई हैव डन, बरगद का पेड़, बड़ी देर करी मेहरबा आते आते, लोकल ट्रेन, तो दीज ऑल आर प्लेज रिटन बाय कादर खान जी। अभी वो हमारे बीच में नहीं है, वेरी सैड, वो बहुत बीमार रहे और कनाडा में उनका इज गॉन, निधन हो गया। तो लेकिन ही वॉज वेली लीजेंड एक्टर, तो जो थोड़ा बहुत उनसे सीखा है, जो सीखने को मिला है, तो अपनी प्रतिभा और अपना थोड़ा सा टैलेंट यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना एफर्ट यही है कि वी ऑल विल डू बेटर। मैंने ये बताइए कि मतलब कोई जाना पहचाना चेहरा भी होगा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जाना पहचाना चेहरा बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे, हमारी बात चल रही है। गाने इसमें चार से पांच गाने रहेंगे इसमें, हाँ सिंगर इसमें सारे मार्केट के सिंगर रहेंगे और एक नया सिंगर इसमें लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, जिनका नाम हिमांशु है, सब म्यूजिक पे काम चल रहा है और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर 2-5 मिनट में पहुँच रहे हैं, जनक जी उनका नाम है, बहुत अच्छा म्यूजिक ऑलरेडी 2 फिल्मों को दिया है उन्होंने और ये उनकी 3री फिल्म है और इसको बहुत सुपर हिट गाने होंगे, जैसे कि लाइक आशिकी 2 है, जैसे पहली आशिकी पहली थी, इससे बेटर देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट मंथ शूट इसका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम सपना है और इन्हें इब्राहिम ने मुझे लॉन्च किया हुआ, जैसे पहली बार मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ और इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है दोस्त का, ये जतिन भाई हैं, ये दिल्ली में हमारे साथ रहते हैं बल्कि हमारे पड़ोसी हैं, तो इंडस्ट्री में लाने वाला जो है ये जतिन भाई हैं, ये इब्राहिम भाई हैं हमारे, ये भाई हैं हमारे, तो सारे चीज़ हम लोग बड़ा फ्रेंकली घर के मेम्बर ही हैं, तो हमारा एक सपना था मूवी बनाने के लिए, तो हम सारे मिलकर बना रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह आगे अच्छा ही होगा यही कह सकते हैं हम। और क्या कहना चाहेंगे?
तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे आप जानते हैं मैं कनक यादव हूँ और ये फिल्म जो है इसमें मैं एक एक्टर प्ले कर रही हूँ। बाकी सब बहुत जल्दी आपको फाइनल हो जाएगा। तुमसे वफा है सनम एक अच्छा टाइटल है और आप अगर इस टाइटल को भी हम अगर देखते हैं तो जो हमारी 90s की जो रोमांटिक लव स्टोरी जो फिल्म होती थी द इमोशन ड्रामा एंड एक्शन एंड टचिंग टू देयर हार्ट वो बहुत ज़रूरी होता है, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इब्राहिम जी ने बताया कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनका जो मेहनत है उनकी जो लगन है फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बट वो आपको देखने को मिलेगी। कहते हैं ना हर किसी को चांस मिलता है। फिर जतिन जी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, देन सभी हम लोग बहुत अच्छे एक टीम की तरह काम करेंगे तो अच्छा लगेगा कि आप लोगों को एक नई मेरी फिर से एक अच्छी मूवी देखने को मिलेगी। जवाब मैं दे देती हूँ इब्राहिम जी की जगह कि रोमांटिक फिल्म देखिए हम लोग यूथ हैं, जैसे आप सब हम लोग यूथ हैं और यूथ कभी भी रोमांस से अलग नहीं हट सकता है। और पूरी दुनिया में एक रोमांस बहुत ज़रूरी होता है। एक्शन सब देखते हैं, कॉमेडी सब देखते हैं बट जो रोमांस का तड़का होता है वो ऑलवेज एवरग्रीन रहता है। सबसे पहले हमारे सुल्तान भाई और जतिन जी जो हमारे आवाज़ नहीं आ रही जो यहाँ के मीडिया के हमारे बदरस और यहाँ पर आप तमाम आए इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तुमसे है वफा सनम एक ऐसी आधारित फिल्म होगी इंशाल्लाह एक बहुत बड़े पैमाने पे हम इसे लेके जाने की सोच रहे हैं दिल और जान से और अपने लगन लगा के इस फिल्म को मना रहे हैं। हमारे सुल्तान जी ने हमें काफ़ी कुछ यहाँ पर हमें मदद की और साथ ही साथ मैं जतिन जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि हमारे लीड एक्टर हैं। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया लेकिन हमारा एक छोटा बैनर है, इस बैनर में जो वो काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा महसूस लग रहा है कि अभी हमारा बैनर भी जो है इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने में जाएगा। और जतिन जी भी काफ़ी एक्सपीरियंस एक लीड एक्ट्रेस बन के हमारे इस फिल्म में बखूबी किरदार निभाएंगे और साथ ही साथ सुल्तान भाई जो हैं वो दिल के तो बहुत अच्छे हैं ना, कॉमेडियन के हिसाब के आदमी हैं लेकिन विलन का रोल उनका देखने का काबिल रहेगा। और मैं साथ ही साथ हमारे इब्राहिम भाई से, इब्राहिम भाई तो आप जानते ही हैं इब्राहिम भाई के बारे में, इनकी ये पहली फिल्म है, हम भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन के मैं भी इस फिल्म में जुड़ा हुआ हूँ और हमारे कुंदन सर हैं जो कि वो एज ए डायरेक्टर बन के इस फिल्म में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ एक्ट्रेस मुश्ताक अहमद सर हैं और जैसे कि सुनील पवार सर हैं और काफ़ी सारे मार्केट के हीरो और हीरोइन इस फिल्म में लाने की हमने सोची है। इंशाल्लाह देखेंगे कि इसका प्रोमो यानी कि बहुत बड़ा एक प्रोमो करेंगे और आपसे गुजारिश है इस हमारे जो तुमसे है वफा सनम इस मूवी के इस जो इंट्रोडक्शन जो आज हमने मीटिंग रखी है इसको थोड़ा हाईलाइट करें और साथ ही साथ ये फिल्म में एक ऐसी आधारित घटना से एक इंस्पायर है यानी कि मैं आज की यूथ जनरेशन प्यार को पाने के लिए क्या क्या जद्दोजहद करके प्यार पाती है लेकिन क्राइम ऐसा कुछ इस दुनिया में क्राइम करके ही प्यार पाना बोल के कुछ नहीं है। प्यार किस तरह से पाया जाता है इसमें बहुत अच्छे अंदाज में स्टोरी बनी हुई है, आपको सुनाएंगे तो अभी मज़ा नहीं आएगा लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी बनेगी। और इसके लोकेशंस भी ऑलमोस्ट ऑल पूरे लोकेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अभी जतिन जी भी आए हैं तो उनका भी मैं शुक्रगुजार करते हुए और हमारे कनक जी आए हैं और आप तमाम का भी मैं शुक्रगुजार करके मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। देखिए जहाँ तक दर्शकों का आपने पूछा ऑडियंस का, एज ए ऑडियंस बन के मैं भी इस फिल्म को जब देखता हूँ ना मैं इनका सवाल जैसे कि नेक्स्ट मंथ में मूवी स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ होपफुली फिल्म बहुत जल्दी कंप्लीट होगी और लास्ट एंड ऑफ या फिर आपको नए साल में मूवी ज़रूर अच्छे टाइमिंग में आपको देखने को मिलेगी तो बहुत जल्दी जितने जल्दी कंप्लीट होगी उतने जल्दी आप लोग देख पाएंगे इसको।
मैं ये मूवी के लिए म्यूजिक कर रहा हूँ। मैं 5 सॉन्ग्स है, 3 लव सॉन्ग और 1 सैड सॉन्ग है। तो मैं भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने मुझे चुना इस मूवी के लिए, सिलेक्ट किया। तो इसमें एक सैड सॉन्ग है और एक हम लोग चाहेंगे कि नए जो सिंगर्स है या यासिर देसाई है अभी जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं उससे एक गाना गवा रहे हैं हम लोग। और बाकी तो सर कहेंगे सर क्योंकि जनक जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, काफ़ी हुनरबाज है, बहुत अच्छे इंसान है, सबसे बड़ी चीज बहुत अच्छे इंसान है और इनका काम भी बहुत अच्छा है। हमने साथ में कुछ काम भी किया हुआ है जी। और इस फिल्म में का जो म्यूजिक है, इस तरह का हमें रिक्वायरमेंट है, वो म्यूजिक यही दे सकते हैं इतना मुझे भरोसा है। हाँ, उस हिसाब से हमने इनको चुना है और मुझे पूरा भरोसा है इस फिल्म के म्यूजिक को ये हिट कर देंगे। मेरा नाम प्रवीण सिंह है, हम रिटायर कर चुके हैं, तो साथ में काम करते हैं, अरेंज करते हैं। काफ़ी सारे किए हम लोग ने, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर हम लोग ने काफ़ी सारे जुबिन नौटियाल के साथ किया, यासिर देसाई के साथ किया। एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर मैंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स किए बॉलीवुड में, बट अभी रिसेंटली मेरे 2020 में एक दो मूवीज़ है उसमें एज अ हम लोग म्यूजिक कंपोजर का भी काम करें। तो अभी ये भी मूवी है कि अपकमिंग चाहेंगे, बहुत अच्छा हो जाए।